वेलकम टू बॉलीवुड पंचनामा, जहां हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ फिल्में हिट होती है अपनी कहानी की वजह से, कुछ फिल्में हिट होती है उनकी स्टार कास्ट की वजह से, और कुछ फिल्में हिट होती है उनके गानों की वजह से। लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो अपनी कहानी, स्टार कास्ट और गाने सभी के कारण हिट होती है। ऐसी एक फिल्म है जो वर्ष 1983 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट रही थी। उस फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। दोस्तों, ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था लेक टंडन ने, और जिसके लिए लेक टंडन को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। ये फिल्म 1983 की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने कई शहरों में अपनी सिल्वर जुबली मनाई थी। इस फिल्म के बाद फिर से एक बार राजेश खन्ना अपने स्टारडम में वापसी कर पाए। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजीव कुमार और विमल कुमार ने। फिल्म की कहानी लिखी थी NN शर्मा ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था RD बर्मन ने, और फिल्म के गाने काफी कमाल के थे। खास करके फिल्म का थीम सॉन्ग अगर तुम ना होते उस वर्ष का सबसे पॉपुलर सॉन्ग था। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि फिल्म अगर तुम ना होते की रीमेक की बागडोर एस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के हाथों में दी जाए तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। संजय ऐसे इंटेंस ड्रामा फिल्मों को डायरेक्ट करने में महारत हासिल करते हैं। उनकी फिल्में जैसे कि बाजीराव मस्तानी, हम दिल दे चुके सनम ने कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर काम किया है। वही फिल्म में म्यूजिक अगर एस म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के हाथों में दी जाए तो फिल्म के गाने सुनने में मजा ही आ जाए। AR रहमान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काफी मेलोडियस सॉन्ग्स दिए हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म अगर तुम ना होते की ओरिजिनल स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने निभाया है अशोक मेहरा का किरदार। राज बब्बर इस फिल्म में राज बेदी के किरदार में नजर आते हैं। रेखा इस फिल्म में पूर्णिमा मेहरा उर्फ राधा बेदी के किरदार में नजर आती है। बेबी शबाना इस फिल्म में मिनी मेहरा के किरदार में नजर आती है। मदनपुरी इस फिल्म में शकूर अहमद के किरदार में नजर आते हैं। वही असरानी इस फिल्म में चंदू के किरदार में नजर आते हैं। दोस्तों, फिल्म अगर तुम ना होते के रीमेक में अशोक मेहरा का इंटेंस किरदार निभा सकते हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आज के जमाने में यंगस्टर्स की पहली पसंद है। हाल ही में उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और कार्तिक के फैंस ने इस फिल्म को ढेर सारा प्यार और कामयाबी दिलाई है। राज बेदी के किरदार को निभा सकते हैं वरुण धवन। वरुण धवन एक वर्सेटाइल एक्टर है जो कॉमेडी के साथ साथ इंटेंस रोल भी निभा सकते हैं। उनकी फिल्में जैसे कि बदलापुर में वरुण ने एक पावर पैक परफॉर्मेंस दिया था, और इस किरदार में भी वरुण को उसी तरह की इंटेंसिटी निभाने की जरूरत है जो वे बखूबी निभा सकते हैं। पूर्णिमा मेहरा और फ्रादा बेदी का किरदार निभा सकती है सारा अली खान। हाल ही में सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, और साथ ही साथ ये रोल सारा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सारा में वो काबिलियत है कि वो इस इंटेंस रोल को बखूबी निभा सकती है। फिल्म अतरंगी रे में सारा ने एक मेन लीड का किरदार निभाया था जहां पर धनुष और अक्षय कुमार ने उनका साथ दिया था। शकूर अहमद के किरदार को निभा सकते हैं पंकज त्रिपाठी। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि पंकज त्रिपाठी जो एक वर्सेटाइल एक्टर है इस किरदार के लिए एक परफेक्ट चॉइस होंगे। पंकज त्रिपाठी ने अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर रोल्स निभाए हैं, और हर एक रोल में उन्होंने अपना एक यूनिक टच दिया है। चंदू के किरदार को निभा सकते हैं वरुण शर्मा। एक लंबे समय के बाद वरुण शर्मा अपना कमबैक इस फिल्म के जरिए कर सकते हैं, और वरुण के फैंस के लिए भी ये फिल्म एक डेफिनेट ट्रीट होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म अगर तुम ना होते की कहानी के बारे में। दोस्तों, फोटोग्राफर राज बेदी आकर्षक राधा से मिलता है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद राज का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। ठीक होने के बावजूद राज एक विकलांग की जिंदगी जीता है क्योंकि उसके पैरों में ताकत नहीं होती। वो अपनी आगे की जिंदगी व्हीलचेयर पर व्यतीत करता है, और उसकी जिंदगी उस व्हीलचेयर तक सीमित होकर रह जाती है। उसके इलाज के लिए राधा को नौकरी करनी पड़ती है, और एक रईस उद्योगपति अशोक मेहरा की इकलौती बेटी की दाई का काम वो करने लगती है। इसके चलते राज का इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन असल में राज को ये पता नहीं होता कि अशोक मेहरा की मृत पत्नी का चेहरा हूबहू राधा से मिलता है, और अशोक मेहरा की बेटी को ये लगता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है, और ये असल कारण है कि अशोक मेहरा ने राधा को काम पर रखा होता है।
फिल्म के अंत में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या राधा ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए अपने पति राज को छोड़ देती है या फिर वो अपनी जिम्मेदारी निभाकर मेहरा और उसकी बेटी को अकेला छोड़ देती है। क्या राधा इस कश्मकश की पहेली को सुलझा पाती है, ये फिल्म देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए टॉप फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में रेखा ने शैलेंद्र सिंह के साथ एक गाना गाया था, कल तो संडे है इस बात पर रोना है, और ये गाना काफी पेपी था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के निर्माता राजीव कुमार का फिल्म के मेकिंग के दौरान रेखा के साथ काफी नजदीकी रिश्ते पनपने लगे थे और इसके चलते उनके जिंदगी में काफी उथल पुथल भी हुई थी। फैक्ट नंबर 3, रेखा के ऑपोजिट रोल मिलने से राज बब्बर काफी खुश हुए थे क्योंकि उनकी पिछली फिल्म में रेखा ने उनकी बहन का किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ये पता चला कि राजेश खन्ना उनके अधिकतम सीन्स को छोटा कर रहे थे। उन्हें जब इस चीज का पता चला तो उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन वे चुपचाप रह गए ताकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाए। फैक्ट नंबर 2, 1980s के दशक में राजेश खन्ना के लिए साल 1983 काफी लकी साबित हुआ था क्योंकि उनकी 3 फिल्में सफल हुई थी, अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते, ये तीनों फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। और फैक्ट नंबर 1, फिल्म का संगीत उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, खासकर की फिल्म का टाइटल सॉन्ग काफी पॉपुलर था। तो ये थे फिल्म के टॉप फैक्ट्स। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। इस फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ का था और पहले हफ्ते में इस फिल्म ने लगभग 28 लाख की कमाई की थी। इस फिल्म ने भारत में लगभग 6 करोड़ की कमाई की थी और दुनिया भर में इस फिल्म ने लगभग 7 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये आपका चैनल है, हम ज्यादातर वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगले मूवी का सजेशन डालना ना भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास और बहुत कुछ है। ऊपर के बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखिए, नीचे के बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस, बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।